रंजिश के चलते एक युवक ने गेस्ट हाउस में लगाई आग। आग से गेस्ट हाउस में लाखों रुपए का हुआ नुकसान। वहीं पर गेस्ट हाउस मालिक का पूरा परिवार मरने से बचा। खबर कानपुर देहात से है। थाना सटी क्षेत्र के शाहजहांपुर में थाने की नाक के नीचे गेस्ट हाउस में गेस्ट हाउस मालिक के भाई सत्यजीत पटेल ने जमीन प्रॉपर्टी पाने के लिए गेस्ट हाउस में षड्यंत्र के तहत आग लगा दी। आग ने विकराल रूप धारण किया। गेस्ट हाउस में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं एक कार आग से क्षतिग्रस्त हो गई है। काफी मशक्कत के बाद गेस्ट हाउस की आग बुझाई गई। गेस्ट हाउस मालिक का कहना है कि रात के समय मेरे छोटे भाई ने आग लगाई थी, जो हम वह हमारे परिवार को जान से मारना चाहता था, क्योंकि हमारा परिवार गेस्ट हाउस के दूसरी मंजिल पर रहता है। गेस्ट हाउस मालिक का यह भी कहना है कि कई बार हमारा भाई सत्यजीत पटेल मेरे परिवार को व पिता को जान से मारने का प्रयास कर चुका है। वैष्णवी गेस्ट हाउस शाहजहांपुर कस्बे का चर्चित गेस्ट हाउस है। कस्बे के नागरिकों का कहना है कि सत्यजीत पटेल अपने फौजी पिता एवं भाई भाभी भतीजे को मारने का प्रयास कर रहा है, जिसे वह पूरी प्रॉपर्टी पाना चाहता है। उसे थाना सटी पुलिस को भी मिला लिया है। गेस्ट हाउस मालिक का कहना है कि थाना सटी पुलिस ने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जबकि सीसीटीवी कैमरे में साफ आग लगाता मेरा भाई दिख रहा है। उसके बाद एसपी के कहने पर मेरी रिपोर्ट दर्ज की गई, वहीं भी सही धाराओं में दर्ज नहीं की गई। गेस्ट हाउस मालिक का कहना है कि मुझे सटी पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा। एसपी महोदय, मेरी जांच दूसरे सर्किल के किसी थाने से करवाएं, नहीं तो हम लोगों की कभी भी हत्या हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी कानपुर देहात जिला प्रशासन की। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से पीएन दीक्षित की रिपोर्ट। भाई साहब, आपका परिचय? मेरा नाम सौरभ पटेल है, निवासी शाहजहांपुर सट्टी थाना का हूँ। तो आपके यहाँ जो ये आग की घटना घटी है गेस्ट हाउस में, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि 25 तारीख की रात को लगभग 10 और 11 के बीच ये आग लगाई गई, और आग का जो सीसीटीवी फुटेज है वो हमारे सीसीटीवी कैमरे में पूरा कैद है। जब ये आग लगी तो मैंने सट्टी थाना को सूचना की, और मौके पर वो लोग आए, जांच पड़ताल की। किसी तरह हम लोगों ने समर चला के उस आग पे बुरी तरह, जो आग जल रही थी, उस पे काबू पाया। इसके बाद मैंने अपनी शिकायत थाना सट्टी को एप्लीकेशन दिया जाके, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद जब सुनवाई नहीं हुई तो मैं कप्तान कानपुर देहात के यहाँ गया। वहाँ जाके मैंने अपनी शिकायत दर्ज की। वहाँ शिकायत दर्ज करने के बाद में वो एप्लीकेशन सट्टी थाने में आई, तब जाके उस पर FIR दर्ज हुई। लेकिन FIR दर्ज होने में जो धाराएं लगनी चाहिए, ना तो वो धाराएं लगी। हमारे गेस्ट हाउस का लाखों रुपए का सामान वो जलकर राख हो गया, और हम जान से मरते हुए बचे। सारे मेरे बीवी बच्चे लड़के सब यहीं कमरे में मौजूद थे, सो रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनको हम बाहर निकाल पाए। इसके बाद आग पर काबू पाया, और पुलिस जो जिस लकड़ी से आग लगाई गई सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है, वो साक्ष्य फोरेंसिक टीम आधा घंटा आने से पहले वो लकड़ी उठा के पुलिस ने गायब कर दी। और हमें अभी तक वो जो शख्स जिसने आग लगाई है, मेरा बड़ा भाई सत्यजीत नाम है उसका, वो लगातार धमकी दे रहा है। खुलेआम हमारे बगल में ही रहता है, उसका मकान है, धमकी दे रहा है। लेकिन पुलिस उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना ही उसकी कोई गिरफ्तारी हुई है। हमें जान और माल का बहुत भारी खतरा है, हम बहुत परेशान हैं, तो हमको न्याय दिलाने की कृपा की जाए। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि थाना सट्टी से आपको न्याय नहीं मिलता दिख रहा है? नहीं, थाना सट्टी से हमें न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, चूँकि जो मेन सबूत था, जिस लकड़ी से आग लगाई गई सीसीटीवी फुटेज में वो व्यक्ति लकड़ी लाते हुए दिख रहा है कपड़ा बांधे हुए, वो लकड़ी आधी गैलरी में टूट के गिर गई थी रास्ते में। वो लकड़ी जब गायब कर दी, मेन सबूत जिसमें फिंगरप्रिंट आने थे, वही गायब हो गया। तो हम अब पुलिस से क्या उम्मीद करें? हमें पुलिस से, यहाँ की पुलिस से हमें कोई न्याय की उम्मीद नहीं है कि यहाँ से कोई न्याय होगा। तो आप हाँ, जो है कोई दूसरे थाने से न्याय मिलने का उम्मीद रखते हैं आप? हाँ, और कोई, जहाँ हमने SP साहब को यही कप्तान साहब को दिया था कि हमें किसी दूसरी टीम से जांच करवा कर हमारी सही से सही कार्रवाई की जाए, और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चूँकि दोषी कोई नहीं, उसने बाद में स्वीकार भी किया सारे रिश्तेदारों के सामने कि हाँ, हमने आग लगाई है। उसने बोला है, मेरे बड़े भाई ने, तुम्हें जो करना है बोला कर लो, आज तो बच गए हो, इसके बाद बच के दिखाना बोला। ये धमकी दी है, फोन पर भी धमकी दी जा रही है हमको कि अब बच के दिखाओ। तो आप न्याय चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, बस हमारी